तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जा दोस्तों, चुनाव से पहले सबसे बड़ा दिल्ली पर सर्वे आ चुका है सामने, और दिल्ली में आपकी बार किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए सबसे सटीक सर्वे आ चुका है। कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की राय इसमें ली गई है। दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार, इसके लिए सटीक सर्वे आ चुका है, और जिस तरह के नियम है और जिस तरह के यहाँ पर कानून बनाए गए हैं उसको देखते हुए क्या यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी दम भर रही आपकी बार दिल्ली में बीजेपी सरकार, या यहाँ पर कांग्रेस कुछ नया कर पाएगी। तो दिल्ली के लिए सबसे सटीक सर्वे आ चुका है। सर्वे का वक्त 22 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच ये सर्वे किया गया है, और बिल जब पास नहीं हुआ इसके पहले का ये सर्वे है, और बिल के पास जो यहाँ पर कह सकते हैं कानून है उसके विपक्ष में रही है केजरीवाल सरकार। तो इससे क्या यहाँ पर नुकसान होगा या फायदा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर सर्वे है उस सर्वे के अनुसार केजरीवाल को पसंद करने वाले लोग हैं वो है सबसे ज्यादा 66%, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं दिल्ली के अंदर, कुछ हद तक पसंद करते हैं 24% मानते हैं, और बिल्कुल ना पसंद करने वाले 4 हैं, कुछ हद तक ना पसंद 3%, तो कह नहीं सकते 3% ऐसे लोग हैं। ये दिल्ली के लिए सर्वे है, और ये सर्वे जो है इंडियन एक्सप्रेस के लोक नीति CSDS का सर्वे के अनुसार ये जानकारी आपको दिखा रहे हैं, किसको कौन पसंद कर रहा है और अब की बार किसकी बन सकती सरकार, किसके पक्ष में जा सकते हैं आंकड़े। अगर यहाँ पर केजरीवाल और मोदी के बीच कंपेरिजन किया जाए तो मोदी से बेहतर केजरीवाल 42% लोग मानते हैं, केजरीवाल से बेहतर मोदी जो कहने वाले लोग हैं वो 32% है, मतलब मोदी से ज्यादा लोकप्रिय यहाँ पर नेता केजरीवाल है दिल्ली के अंदर, ये लोग मानते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। दोनों यहाँ पर पसंद है 16%, दोनों मानते हैं कि अच्छा यहाँ पर नेता है दोनों, दोनों नापसंद 3% है, कुछ कह नहीं सकते ऐसे 6% लोग ये मानते हैं सर्वे के अनुसार। अगर मोदी जी का यहाँ पर पसंदीदा आपको यहाँ पर सर्वे दिखाए तो बहुत पसंद कहने वाले 49% लोग हैं, कुछ हद तक पसंद करने वाले हैं 30%, बिल्कुल नापसंद 8 हैं, और कुछ हद तक नापसंद 9% है, और कह नहीं सकते ऐसे 4% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं। अवैध कालीनों को जो नियमित करने वाला फैसला है जनहित में या वोट के लिए है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यहाँ पर हाल ही में एक नियम था उसको यहाँ पर जो अवैध कॉलोनी उनको यहाँ पर नियमित करने का जो फैसला है मोदी सरकार के लिए वो कितना सही है, क्या वोट के लिए वो यहाँ पर फैसला लिया गया है, लोगों का मानना है। जनहित के लिए 30% है और वोट के लिए 36% लोग मानते हैं कि जो फैसला है वो वोट के लिए लिया गया, क्योंकि हाल ही में लिया गया, क्योंकि ऐसे में दिल्ली में आने वाले चुनाव हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर 23% है, कह नहीं सकते ऐसे 11% लोग ये मानते हैं इस मुद्दे को लेकर। तो दोस्तों ये आंकड़े फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं, कई बड़े एक्सपर्ट लोग हैं उनका मानना है कि फिलहाल दिल्ली के अंदर केजरीवाल भारी नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी मैदान में कौन दिग्गज चुनावी मैदान में उतरते हैं और किस प्रकार के उनके घोषणा पत्र रहते हैं, और आने वाले जो इलेक्शन है उसके बीच जो समय है वो काफी कम है, ऐसे में कौन किस पर भारी रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार, क्योंकि आपके कमेंट काफी महत्वपूर्ण होते हैं और उन कमेंटों के आधार पर भी तय किया जाता है कि किसकी बनेगी सरकार, कौन किसको कितना पसंद करता है, ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे, और एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।